Hello everyone, welcome again in accountancy class. In today's class we are going to start our important and interesting topic, that is GST. GST जो आपका टॉपिक है बेटा, आज उसको हम करेंगे. आप लोगों ने जब इसको हमने इंडिया में स्टार्ट किया गया तो हमने न्यूज़पेपर, आप लोगों ने बच्चों ने न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर जीएसटी वर्ड हमने सुनते भी हैं, और आज अब काफ़ी जब हम शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो ये वर्ड सुनते हैं. बट इन प्रैक्टिकली आप इसको डिटेल में आप अपने सब्जेक्ट्स में जानेंगे कि सबसे पहले जीएसटी क्या है बेटा. जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. आज की वीडियो में बेटा हम इसके बारे में बेसिस जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में, यानी प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस हैं, हम इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. बट इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस ओनली बेसिस ऑफ जीएसटी, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीएसटी. ठीक है, जीएसटी के बाद में बेटा विच टाइप ऑफ टैक्स इट इज इंक्लूड, यानी कहते हैं इसके अंदर जो हमने इंक्लूड किए हैं कौन से टैक्स को शक किया. सबसे पहले तो एज ए स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स. जीएसटी जो टैक्स है बेटा वो कौन से टाइप्स का टैक्स है, तो ये सारी जो बातें बेटा वी विल लर्न इन टूडेज वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हमारा, इसको जानने से पहले टैक्स क्या है, क्योंकि आपको सिर्फ हम वर्ड सुनते रहते हैं कि पापा टैक्स भरते हैं, मम्मा ने टैक्स फिल किया है, आप घर में थोड़ा सा गवर्नमेंट की से भी सुनते हैं गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, लेकिन टैक्स क्या है, क्योंकि हम सभी कहेंगे हम टैक्स क्या है, गवर्नमेंट की इनकम. ठीक है, तो जो टैक्स है बेटा इट इज़ ए चार्ज. ठीक है, दैट लेवी बाय द गवर्नमेंट, दैट चार्ज बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो इनकम है उसका जो मेजर जो बेटा आपकी इनकम का जो सोर्स है वो टैक्स रिसिप्ट्स है. यानी टैक्स क्या है, इट इज़ ए चार्ज ऑफ ड्यूटी विच इज़ लेवी बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, वो हमारा टैक्स कहलाता है. अब इन प्रैक्टिकली देर आर टू टाइप ऑफ टैक्स बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स. यानी जो टैक्स है उसको हम प्रैक्टिकली कितने उसमें पढ़ते हैं बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. जैसे इसमें नेम है, डायरेक्ट का मतलब क्या है बेटा, जो एसएससी है, एसएससी कौन होता है, जो जिसके ऊपर टैक्स लेवी या चार्ज किया जाता है, वो डायरेक्टली जब गवर्नमेंट को पे करता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. यानी हमारे मुझ पे टैक्स लगा और मैं डायरेक्टली जब गवर्नमेंट को पे करती हूँ दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. यानी इसमें कोई भी इंटरमीडिएट्स यानी अदर पर्सन आर नॉट इन्वॉल्विंग, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. यानी एसएससी और जो चार्जर है, जो चार्ज करे गवर्नमेंट, ये आप एक दूसरे को डायरेक्टली पेमेंट और रिसीव कर रहे हैं, दैट्स वाई इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं बेटा हम लोग, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स. दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल जो आप सुनते हैं. जैसे अगर मान लो मेरी जो इनकम है बेटा, जो सैलरी के ऊपर, यानी हम ये कहते हैं बेटा ये एसएससी है, ठीक है, और ये बेटा गवर्नमेंट, यानी ये एसएससी है और ये गवर्नमेंट है. तो जब एसएससी डायरेक्ट इसको पे करता है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है. मान लो ये क्या है बेटा, एक सर्विस में है या फिर खुद का बिजनेस करता है, तो इनकम के ऊपर जो अपना टैक्स गवर्नमेंट को देता है तो वो डायरेक्टली पे करते हैं हम, तो इसलिए इनकम टैक्स किसका एग्जांपल है बेटा, डायरेक्ट टैक्स का. आफ्टर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, आप सोचोगे मैम इनकम टैक्स तो सुना है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं. आपको पता है जब आप मार्केट में जाते हो बहुत सारे जो टाइप के टैक्स है वो पे करते हो, जो कई बार तो हमें ये नॉलेज भी नहीं हुआ करती कि हम किस कौन सा टैक्स दे के आए हैं. वी डोंट नो द नेम ऑफ द टैक्स, मतलब हमें स्टिल वी डोंट नो द नेम, उसकी डेफिनेशन क्यों लगाया, कितना लगाया, कि ज़्यादा देखा है कम देखा है, ये तो बहुत दूर की बात है. हमें इवन हमें इतना भी नहीं पता होता व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टैक्स विच पेड बाय मी, मुझे ये भी नहीं पता मैं कौन सा टैक्स दे के आई हूँ. इट मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो आप डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट द टैक्स नेम, क्योंकि हमारे पास जीएसटी से पहले बेटा जो टैक्स थे, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के, वो बहुत सारे लेवल थे. यानी देर आर टू टाइप ऑफ, मतलब जो हमारा जो लेवल है ना बेटा, जो एस्पेक्ट्स है, देर आर टू टाइप ऑफ एस्पेक्ट, सेंट्रल एंड स्टेट. जैसे हमारा जो सिस्टम है, कंकरेंट जो लिस्ट है बेटा गवर्नमेंट का, हमारा जो इंडियन सिस्टम है बेटा, उसमें जो टैक्स सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स, यानी दो आपकी हमारे जो लेवल है वो शामिल होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट.
ठीक है, तो जो कितने सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कौन से टैक्स लेती थी हमसे, स्टेट गवर्नमेंट हमसे कौन से टैक्स लेती थी, हम आज उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी बेटा। जीएसटी के आने के पहले कम से कम हमारे मोर देन 20 टाइप ऑफ टैक्स इन्वॉल्विंग इन आर प्रैक्टिकली जो हमारी जो प्रोसेस है सेलिंग और परचेजिंग की। जो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं बेटा वो हमारे, हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते। एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल लेती हूँ, व्हेन यू परचेज ए बाइक, कार, क्लोथ, शूज, जब आप मार्केट में सारी चीज़ें खरीद के आते हो, कंज्यूमर गुड्स इवन, तो आप जो टैक्स देते हो बेटा, सिंपल से एग्जाम्पल है सेल टैक्स। सेल्स जो टैक्स होते थे बेटा वो किसके एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट टैक्स के। इनको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, ये एसएससी है जो टैक्स पे कर रहा है। मान लो आप में से कोई एग्जाम्पल है, मान लो रोहित है, रोहित ने शर्ट खरीदी, जो रोहित ने शर्ट पर जो टैक्स पे किया है उसने किसको पे किया है बेटा, ही इज अ शॉपकीपर। रोहित ने टैक्स पे किया शॉपकीपर को, शॉपकीपर पेड टू गवर्नमेंट। यानी यहाँ टैक्स का जो बेटा लास्ट डेस्टिनेशन था वो गवर्नमेंट होती है, बट रोहित इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। रोहित ने तो शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को दिया, यहाँ पर बीच में इंटरमीडिएट्स हो गए, और ना कि एक, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप, हो सकता है आपने रिटेलर को दिया है, रिटेलर ने आगे होलसेलर को दिया है, होलसेलर ने फिर आगे गवर्नमेंट को दिया है बेटा, आपने एक से भी ज़्यादा बीच में इन्वॉल्व कर लिए। तो जब हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, दैट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट एंड जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लगाती है। आपको पता है बेटा हमारे अंदर जो यूटिलिटी जो क्रिएट करती है, देर आर टू टाइप ऑफ यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विस। हमें पता है आपको गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हमने कहा जो हम जो गुड्स पे जो टैक्स लगता था लाइक सेल्स टैक्स, हमारे गुड्स पे सेल्स टैक्स लगता था, और जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशंस की, इंश्योरेंस, उन वो जो पिटा देते हैं वो कौन सा टैक्स होता है, सर्विस टैक्स। हमने ये दोनों आपकी जो कैपिटल यूटिलिटी को मिला के एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स के एग्जिस्टेंस होने से पहले बेटा हमारे पास ये, फॉर एग्जाम्पल ये 1, 2 और 3, एक तरीके के तीन तो ऐसे जो टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, ठीक है, कौन से, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हम कब पे करते थे, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स को, व्हेन यू मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स ना, आप एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, ठीक है। सर्विस टैक्स जब उसको बाद में आगे आप सर्विस दोगे किसी को, तो यू पेड सर्विस टैक्स। देन सेंट्रल, अगर हम किस कहीं से सेल करते हैं तो वी पेड सेल्स टैक्स। इसके बाद ये हमारे कुछ टैक्स हैं बेटा जो कौन चार्ज करता है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जांपल मैंने कुछ लिए हुए हैं, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स क्या होता है बेटा, जब मान लो एग्जांपल के लिए दिल्ली का जो गुड्स है बेटा हमारे बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर एंट्री करते हैं, तो जो एंट्री के टाइम जो टैक्स मिलता है, यानी वन वन स्टेट जब हमारी बाउंड्री क्रॉस करके दूसरे स्टेट के अंदर सेल एंड परचेज हम करते हैं, वी पेड ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। सेम परचेज टैक्स, जब हम रॉ मटेरियल या फिर बेटा परचेज करते हैं, चाहे कंजम्पशन प्रोडक्शन के लिए चाहे कंज्यूम के लिए, हम परचेज टैक्स भी पे करते हैं। देन एंटरटेनमेंट टैक्स, जब आप एंटरटेनमेंट के लिए जैसे मूवी टिकट्स लेते हैं या फिर कोई अदर जो कोई भी सर्विस अगर आप किसी से हायर करते हैं बेटा, यू पेड एंटरटेनमेंट टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड विद इन द, जैसे सेंट्रल टैक्स होता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे जैसे एक सिर्फ एक स्टेट के अंदर नहीं, स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम सेल परचेज करते तो सेंट्रल टैक्स लगता था। और जो विद इन द स्टेट, जब हम हरियाणा का हरियाणा में, राजस्थान के राजस्थान में, जब एक जगह बना के जब दूसरी जगह हम सेल करते हैं तो बेटा वैट टैक्स लगता था, VAT, VAT मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसके बाद टैक्स ऑन लॉटरी, लॉटरी पे टैक्स लगता है, लग्जरी टैक्स होते हैं बेटा, लग्जरी गुड्स पे जो टैक्स लगाते थे, ये मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए थे बेटा, लेकिन ये जो सारे जो टैक्स थे अब ये अलग अलग टैक्स आपके चार्ज नहीं किए जाते, ऑल दीज टैक्सेस कंबाइंड एक जुड़ के हमारा क्या बन गया बेटा, एक सिंगल टैक्स, दैट इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमें वाई वी नीड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्योंकि इस टैक्स के आने से हमें क्या स्लोगन मिला है बेटा, वन नेशन वन टैक्स,
यानी जो ये आपने मोदी के टाइम पे अनाउंस हुआ है, तो उन्होंने इस टैक्स को क्या नाम दिया बेटा, वन नेशन वन टैक्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। जब मैंने आपको आज ये बताया बेटा इनमें से कितने टैक्स के नाम आपने कभी आपने पे ये सभी किए हुए हैं, बट यू डोंट नो अबाउट द नेम ऑफ द टैक्स, इवन मीनिंग तो बहुत हमारे फार अवे इट्स फार, लेकिन हम इसके इनके बारे में ये भी नहीं पता हम कब देते हैं इन टैक्स को, कौन सी परचेज पे सेल पे दे के आ गए हैं। तो हम जो बेटा आपकी जो हमारा जो सिस्टम था टैक्स सिस्टम का वो ट्रांसपेरेंस नहीं था, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर। मैंने आपसे सिर्फ आपके नियर अबाउट 9 to 10 टैक्स के बारे में बताया बेटा, और मैंने आपका कहा कि हमारे टैक्स जो स्लैब से जो टैक्स स्ट्रक्चर था इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर स्ट्रक्चर, नियर मोर देन 20 टाइप ऑफ टैक्स वी आर पेइंग इन रूटीन नेचर जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी उसमें हम नियर अबाउट 20 से 30 टाइप के जो टैक्स थे वो इन्वॉल्व करते थे। इसलिए ना तो कंज्यूमर को, ना सेलर को, ना परचेजर को हम पूरी तरीके से उनको अंडरस्टैंडेबल टैक्स स्ट्रक्चर को समझा ही नहीं सकते थे, बिकॉज इसका जो नेचर था बेटा इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड जिसके लिए हमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए थोड़ा सा इस सिस्टम को ईजी करने के लिए जो सभी अंडरस्टैंड कर सके बेटा, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम जो GST है उसको लागू किया गया। GST की वजह अगर हम बात करें बेटा, ये बहुत इसकी हिस्ट्री जो है बहुत बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। हम इस GST बेटा कब लागू हुआ था, जो GST का बेटा एक्ट पार्लियामेंट के अंदर, आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा हमारे जो हम कह सकते हैं लीगल जो प्रोसीजर है उसमें कोई भी टैक्स कोई भी ऐसा एक्ट पास करने के लिए ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट ने कहा GST लागू हो गया। इसके लिए बकायदा एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो किया जाता है, भी हमारे जो सदन है जो हाउसेज हैं बेटा लोकसभा राज्यसभा उनमें हमें इसको पास करना होता है, वो भी किसके साथ, मेजोरिटी के साथ, यानी जो लोकसभा और जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं बेटा उनके थ्रू वोटिंग के थ्रू हमें इसको एक्ट को पास करना होता है। तो ये तो एक्ट जो हमारा 2017 में पास हुआ है, यानी इन पार्लियामेंट 24 मार्च 2017 GST का एक्ट पास हुआ है, बट इन हिस्ट्री हम बात करें तो बिफोर 2000 यानी 21st सेंचुरी बेटा नियर अबाउट 96-97 टाइम से स्टार्टिंग हो रही है इसकी प्रोसेस। लोकसभा में आ जाता है, बिल पास नहीं हुआ, कुछ कमियां हैं, दोबारा इसको रिन्यू किया गया, कमेटी में काफ़ी सारे डिफरेंट कमेटी आ गई, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको यानी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स लिए गए, एंड एट लास्ट इन 2017 ईयर के अंदर इसको पास किया गया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पास होने से पहले दोनों हाउसेज में इसको पास कर दिया गया। नाउ इट बिकेम ए लीगल टैक्स एक्ट, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोसीजर ये टैक्स क्या बन जाता है जब पार्लियामेंट में पास हो गया बेटा, तो ये टैक्स एक लीगल हमारे लिए एक प्रोसीजर बन गया जो पूरे देश में हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिफोर इम्प्लीमेंट वी हैव टू कम्प्लीट सम लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग लीगल फॉर्मेलिटी इसको इम्प्लीमेंट और अफेक्ट में कब किया गया इंडिया के अंदर, ऑन 1st जुलाई 2017 में, यानी 2017 में इसको पास किया गया, यानी 2024 मार्च में इसको पार्लियामेंट में पास किया गया, और देश में लागू कब किया गया, जुलाई में। क्यों कहूँ, क्योंकि 24 मार्च में बेटा 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है, तो विद इन 6 or 7 डे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ऑल द परचेजर और सेलर, जो इस सिस्टम को स्ट्रक्चर को समझाना ईजी नहीं था, तो टेक टाइम एंड बेटा ऑन 1st जुलाई 2017 इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो ये तो इसकी क्या बेटा इसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। अब हम आते हैं बेटा इसके बारे में, जो GST है, जो टैक्स है बेटा, टैक्स गवर्नमेंट लगाती कैसे है, भी आप ये टैक्स क्या सभी को इक्वल टैक्स देना पड़ता है, जैसे मैंने कहा इनकम टैक्स है या फिर GST है बेटा, तो सभी गुड्स और सर्विसेज पे इक्वल टैक्स अभी सभी को 5% बोल दिया गया, नो, देर आर सम स्लैब्स, क्या बोला जाता है बेटा, डिफरेंट स्लैब्स होती हैं बेटा जिनको हम फॉलो करते हैं, जो GST की स्लैब्स हैं, लाइक जो GST आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने इनकम टैक्स की बताया पहले, हम एक बार मैं थोड़ा सा GST से पहले इनकम टैक्स है बेटा, ठीक है, इनकम टैक्स के भी स्लैब्स हैं, जैसे जो पुअर पर्सन है, जो कम अर्नर है बेटा उनको कम देना पड़ता है, जो ज़्यादा कमाते हैं उनको ज़्यादा देना पड़ता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द स्लैब, उसके बारे में, स्लैब का मतलब बेटा लेवल्स जो हमने पे करने हैं, जैसे टैक्स के जो स्लैब्स होते हैं बेटा एवरी ईयर इट इज़ रिवाइज्ड, क्योंकि हमारा जब इनकम लेवल जो एक्सपेंडिचर जो स्ट्रक्चर इनकम का इक्वल नहीं है, तो ये नहीं कि आज बन गया तो अगले साल भी सेम रहेगा,
जो टैक्स कमेटीज़ हैं बेटा, जो हमारे काउंसिल है इनकम टैक्स काउंसिल, टैक्स जो काउंसिल है बेटा आपका, तो वो इसको हर साल रिवाइज करता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स मैंने कहा 0 to 5 lakh के जो कमा रहे हैं बेटा, उनको 5% देना है। 3 lakh तक की तो बिल्कुल हमारी 3 to 5 ऐसा है, 0 to 3 lakh तक है जो 0% है, यानी जिनको टैक्स देना ही नहीं है। 5 से मैंने कहा 10 lakh तक है जिनको 10% देना पड़ता है। तो इस तरीके से बेटा 10 to 20 lakh है उनको 20% है। इसी तरीके से जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो जाएगी बेटा, टैक्स की रेट इंक्रीज हो रही है। इस टैक्स को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस पे है वैसे वैसे टैक्स रेट प्रोग्रेस पे इंक्रीजिंग रेट हो रही है। तो इंडिया के अंदर जो सिस्टम है बेटा, कौन सा टैक्स सिस्टम है बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव में नेचर ऑफ प्रोग्रेसिव कैसा है बेटा आपका, कि जो ज़्यादा अर्न करता है, जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको ज़्यादा देना पड़ता है, जिसकी कम है बेटा उसको कम देना पड़ता है। बट इन योर सिलेबस हम इनकम टैक्स नहीं, GST के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप एक बार डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो अब मैंने जितना भी आपको बताया बेटा, GST का मतलब मैंने क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब पहले मुझे GST क्या है, डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, इट इज़ ए इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। GST इज़ ए इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है ये हमारी किस पे मार्केट में लग रहा है, तो आप तो मार्केट में डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते ही नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जितने भी हैं बेटा आपके, वो सारे कौन से टैक्स हैं बेटा आपके, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो GST बेटा नियर अबाउट 17 टैक्स को मिला के, ये सारा जो टैक्स को मिला के एक टैक्स बन गया, जैसे वन नेशन फॉर वन टैक्स के जो थीम थी उसके ऊपर काम करता है। इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट टैक्स, जिसमें सभी को नॉलेज है कि हम कौन सा टैक्स दे रहे हैं। आज आप कुछ पे करके आ रहे हो तो आपके बिल में पिज़्ज़ा भी मंगवा रहे हो तो उसमें GST लगा है, तो आपको पता है आपने कौन सा टैक्स दिया है। और ये जो सारे टैक्स है बेटा, ये हमारे बिफोर GST इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो ये हमारे कब थे बेटा, हमारे पहले के टैक्स जो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड थे, ठीक है। और सिर्फ एक एक्सेप्ट सेंट्रल टैक्स का एक एक्सेप्ट क्या छोड़ रखा है बेटा, कस्टम ड्यूटी को छोड़ के और जो सेंट्रल टैक्स के उसमें मिल गए। स्टेट टैक्स में भी हमारे सिर्फ हमारे कुछ ऐसे ऐसे टैक्स थे जिसको छोड़ के, जो उनके स्टेट को हम डायरेक्टली पे करते उसको छोड़ के सारे इसमें आपके शामिल हो चुके हैं। तो जो GST है बेटा, इसके जो स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं या स्लैब बोल दीजिए, वो हमारा 5 स्ट्रक्चर है, 0%, 6%, 12%, 18%, 28%। इसका मतलब क्या है, अलग अलग जैसे एसेंशियल थिंग्स हैं उनमें टैक्स नहीं है, ठीक है। जो कम रेट की चीज़ें 6% है, अभी कुछ आपके जैसे जैसे आपके अलग अलग हो तो बेटा बहुत डिटेल है किस गुड्स पे कितना टैक्स लगेगा आपका, लेकिन इनको बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स या स्लैब्स ऑफ टैक्स, ठीक है। लेकिन जब इंडिया में टैक्स लागू किया गया बेटा, तो जो 28% जो हाईएस्ट थी ना, वो ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत हाईएस्ट रेट हो गई थी, जिसको फिर बाद में कुछ टाइम के बाद जब रिवाइज किया गया तो स्लैब्स को तो एक बार ख़त्म भी कर दिया गया था, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया GST के बारे में, ठीक है। अब हमारे लगता है बेटा GST के स्लैब के बाद हम बात हैं बेटा कि क्या GST सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है आपके, तो एक्सेप्ट ऑफ दीज आइटम्स जो मैंने लिखे हुए हैं, इनको छोड़ के GST सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। कौन से यानी बेटा, क्या गुड्स सारे गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगेगा, नो। कौन से टैक्स पे लगेगा बेटा, एक सबसे पहला बेटा जिन पे नहीं लगेगा एक्सेप्शंस, जिन पे नहीं लगेगा गवर्नमेंट ने GST से किन चीज़ों को बाहर किया हुआ है, सबसे पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता। आप फीस देके आते हो, फीस रिसिप्ट पे GST नहीं लिखा मिलेगा। आप मेडिकली बिल देके आते हो बेटा, आप गवर्नमेंट को जब आप फीस देते हो उसको, सॉरी डॉक्टर को जब आप फी दे रहे हैं आपकी जो डॉक्टर जो उसके लिए मेडिकल के लिए, उस पर भी टैक्स नहीं लगता, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज पे नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी जब आप बिल पे कर उस पर भी टैक्स नहीं लगता GST बेटा। वाटर बिल्स पे भी टैक्स नहीं लगेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप अगर आप बस से जाएंगे कहीं से भी, उस पर भी टैक्स फिल नहीं किया जाता। इंटरेस्ट पे नहीं लगता, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पे ऑलरेडी मैं वेल्थ टैक्स दे चुकी हूँ, तो इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं लगेगा बेटा। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि इनकम टैक्स आपका, क्योंकि आप क्या है बेटा इनकम टैक्स दे के उसमें से आगे आप वेजेस एंड सैलरी पे करते हो, तो वेजेस एंड सैलरी पे भी GST नहीं कटता। एंड लास्ट वन, सप्लाई ऑफ सर्विस, जो सर्विस हम गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट की एम्बेसीज को या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं, उन पे GST नहीं लगता। तो यानी व्हेन यू मेक ए नोट्स, तो आप इनके मेन पॉइंट्स राइट करेंगे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल इसको कंप्लीट किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकली क्वेश्चन ऑफ GST इन अकाउंटेंसी। तो आज हमें कैसे कैसे नोट बनाओगे बेटा आप लोग अपना, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स, देन टैक्स के टाइप्स,
फिर जीएसटी के बारे में, हाउ मेनी टैक्स आर कंबाइंड एंड उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर है बेटा, व्हाट आर द एक्सेप्शंस जिन पे टैक्स लागू जीएसटी नहीं आपका इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में नोट्स बनाएंगे।